नेनुआ का फूल है और इसका हम बनाएंगे पकौड़ी। बाहर हो रहा है बारिश, सुबह अंदर बन रहा है अभी पकौड़ी, तो गर्मा गर्म पकौड़ी खाया जाए। और ये देखो, हाय एवरीवन, वेलकम बैक माय चैनल। कैसे हैं आप सब गैस? सो गुड मॉर्निंग। और गैस अभी सुबह का टाइम हो गया है और अभी देखिए अभी भी थोड़ा थोड़ा तबीयत मेरा सही नहीं लग रहा है। मेरा शक्ल सबको दिख रहा होगा कि मेरा चेहरा कैसा है, दो दिन पहले कैसा था और आज भी कैसा मेरा चेहरा लग रहा है आपको। तो थोड़ा सा दवाई भी चल रहा है अभी भी, और अभी भी थोड़ा सा शरीर में ना वीकनेस बहुत ज़्यादा हो गया है गैस। दो दिन से अच्छे से ब्लॉग भी नहीं आ पा रहा है, लेकिन फिर भी ब्लॉग हम कंटिन्यू रखे हुए हैं। तो चलिए आज का ब्लॉग शुरू करते हैं दोस्तों। तो अभी फिलहाल सुबह का टाइम हो गया है और अभी देखिए अभी लंच बनना शुरू हो गया है। लाडो पीयू तैयार हो गया है स्कूल जाने के लिए। और इसका बाल देखो गैस कैसे करके रखी हुए, देखो भूतनी की तरह देखो। और लाडो तैयार हो गया है, टुकू अभी मस्त सोया हुआ है, देखो देखो मस्त सब एकदम, इसको कोई फिक्र नहीं है अभी कुछ भी का। और मौसम गैस सही है, दो तीन दिन से कुछ बढ़िया मौसम किया हुआ है। और इधर अभी लंच लाडो के लिए, तो ये बन रहा है लंच में भिंडी, भिंडी का सब्जी और रोटी। मेरा ब्लॉग बनाने का भी मन नहीं कर रहा गाइस, लेकिन फिर भी ब्लॉग कंटिन्यू रखना है क्योंकि ऐसा ऐसा स्थिति तो हमेशा आते रहेगा। तो इसका मतलब थोड़ी एकदम ब्लॉग को मिस कर दें तो ब्लॉग आते रहेगा, चाहे जो भी हो, जैसा भी रहे, हम जैसे भी स्थिति में रहें, ब्लॉग आएगा, कंटिन्यू आएगा गाइस। तो भी चलते हैं लाडो को पहुंचाने के लिए स्कूल। और टाइम देखे वो साढ़े छः हो गया गैस, यहाँ पे गया, हर जगह साढ़े छः हो गया। दो गैस कहाँ बैठी हुई इसको, इसका हरकत तो मतलब कभी सुधर ही नहीं सकती है। दो कहाँ बैठी, बाल्टी के ऊपर बैठी है ड्रेस पहन के इसको, और उसमें पानी हुआ या कुछ भी हुआ भींग गया ड्रेस उसके बाद। आ? ये मतलब अलवेला है, अलवेला देख। हमें खोजने की कहाँ है, यहाँ बाल्टी में बैठी हुई है, इधर देखो ना। यहाँ तो बताना आपको भूल ही गए हम, पीयू का ना आज फर्स्ट टाइम पहली बार पहला दांत टूटा है। ये देखो ये खिड़की पहला दांत टूट गया है, टांग दिखा ऊपर ऐसे करो। ये देखो गाइस पीयू का ये पहला दांत है, अभी तक एक भी दांत इसका नहीं टूटा था। नया नया घर में एक खिड़की हो गया गाइस। देखो कितने साल के हो गए पीयू आज, 7 साल की, आज नहीं मतलब हो गया, तो आज 7 साल में पहली बार इसका दांत का, रात में इसका एक दांत टूटा है, रात में 10-10 बजे के लगभग। दिखा ऐसे कर, आई ई खिड़की हो गया, तुम्हारा भी खिड़की हो गया अब। तो गैस आज है सोमवारी और सोमवारी का पर्व है आज, यानी कि सोमवार है। और आपको पता ही है सबको कि अभी चल रहा है सावन माह, तो अभी सोमवारी आज जाएगी मंदिर। तो हम तो गैस अभी मेरा तो दवाई हम खाते हैं, तो इस वजह से हमको मंदिर हमको जाना नहीं है। क्योंकि सुबह सुबह हमको नाश्ता करके ना अभी जस्ट हम दवाई खाना है, क्योंकि हम नाश्ता भी कर लिए, दवाई बस खाना बाकी है। तो ये जाएगी मंदिर, हम नहीं जा पाएंगे इस बार, नहीं तो हर सोमवार जाते थे हम भी मंदिर, हम भी पूजा करते थे भाई। शायद अभी तबीयत ठीक नहीं है, इस वजह से नहीं जा पा रहे हैं। जाने से पहले क्या क्या तैयारी कर रही है? ये नेनुआ का फूल है और इसका हम बनाएंगे पकौड़ी, और कैसे बनाएंगे वो आपको दिखाएंगे। अभी फूल देख लीजिए। राज ना पीयू को कोई स्कूल में मारा है, क्यों मारा भाई? एक लड़की का खिलौना लिए थे, वही प्रियंका एक स्कूल की लड़की है, वही सर को ना उसका नहीं ना लिए थे, वो सर को बोल दी, सर पैन से पूरा बाल खराब कर दिया ऐसे ऐसे पूरा करके। तो तुम तो बोली कि सर मारे हमको, पूरा बाल ऐसे ऐसे करके खराब कर दी, और उसके बाद भी मारे। तो गैस आज पीयू के साथ कुछ ऐसा हुआ है आज, उसका नहीं ना लिए थे। तो तुम बदमाशी कर रही हो कि तुम स्कूल में? नहीं, एक लड़की का खिलौना लिए थे ना, प्रियंका एक लड़की, उसका नहीं ना लिए थे, वो सर को बोल दी, उसको लेना था, उसको हम नहीं दे रहे थे, वो इसलिए सर को बोल दी। चलो तुम ले लो। हाँ
एक पीहू को भी दे दो मार खाने की खुशी में। ये देखिए बनना शुरू हो गया है। बेसन का ये जैसे एक फूल का पकौड़ी बना रहे हैं गैस, इसमें ये चावल का आटा डाल रहे हैं और बेसन, क्योंकि पूरा और क्रिस्पी बनेगा। मेरे चैनल पे इस तरह का पहली बार वीडियो ऐसा कुछ बन रहा है गैस। इसका बनेगा कचड़ी फ्लोरी पकौड़ी, क्योंकि अभी बारिश का मौसम में यही चलता है पकौड़ी। तो गैस बाहर हो रहा है बारिश और यहाँ बन रहा है पकौड़ी। ये देखो और भी अलग किस तरह किसका पकौड़ी है पता नहीं, ये थी क्या बोलते हैं ना। और इसमें प्याज हरा मिर्च सब देकर बना रहे हैं। तो चलिए दोस्तों बाहर हो रहा है बारिश, सुबह अंदर बन रहा है पकौड़ी, तो गर्मा गर्म पकौड़ी खाया जाए। और ये देखो लग रहा हरा चना का जो पकौड़ी होता है वैसा लग रहा है ना। हाँ, हरा चना जैसा ही लग रहा है ये, लेकिन ये है तरोई का, वो जो छोटा छोटा होता है वो फूल है ये। तो चलिए दोस्तों पहला तो हो गया मेरा, ये पकौड़ी हो गया है। अब इसको उतार लेते हैं मतलब एक एक करके। आज बहुत दिनों के बाद रेसिपी का कुछ वीडियो जाएगा, रेसिपी नहीं है मतलब खाने पीने से रिलेटेड वीडियो मेरा जाएगा, क्योंकि मौसम ही ऐसा है गाइस। खा रहे हैं और बना रहे हैं और खाएंगे। देखो बने कैसे एकदम बिल्कुल लग रहा है वही वाला पकौड़ी, चना का पकौड़ी, हरा चना वाला। कितनों के मुंह में पानी आ जाने वाला है गाइस देख के। ये देखिए गाइस। तो चलिए गाइस बन गया है, इसको करते हैं टेस्ट। तो फाइनली गाइस बन के तैयार हो गया अपना, और इसको पराठा के साथ भी खा सकते हैं, हम तो ऐसे ही खाने वाले हैं। ये देखो